आप देख सकते हैं ये वो डिश एंटीना है जो कि 55x60 cm का डिश एंटीना है, और डिश एंटीना के साथ में कुछ इस तरीके की एसेसरीज मुझे मिली हुई हैं। आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसको क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ है कुशल जी, और कुशल जी इस डिश एंटीना की फील्ड में पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। तो आज कुशल जी हमको बताएंगे कि किस तरीके से हम इस डिश एंटीना को इंस्टॉल कर सकते हैं और ट्यून कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक करके एक एक पार्ट का नाम बताता हूँ। बोल लेते हैं, सबसे पहले ये हमारा रिफ्लेक्टर है जो 55x60 का आपको बता दिया है। ये है माउंट पाइप, दूसरा बैक पार्ट, आर्म पाइप, दो साइड सपोर्ट, एजल ब्रैकेट एंड फुट माउंट। ये फास्टनर किट है, इसके साथ आपको एंकर है, एलएनबी होल्डर है, टाई भी है। अब मैं आपको इसे इंस्टॉल करके बताता हूँ। ये इसका कैप है, इधर लगा लीजिए जिससे कि पानी ना जाए, बारिश में पानी ना जाए। माउंट पाइप का कैप है जिससे कि बारिश में इसके अंदर पानी ना जाए। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले होल करने होते हैं। अच्छा, ये मैंने होल किए हुए हैं, जमीन में इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। हाँ, जमीन में इंस्टॉल कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी होल यहाँ पे किए हुए हैं, तो मैं आपको इसी पे इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। तो जब भी मैं डिश एंटीना को इंस्टॉल करने के लिए जाऊँ तो मुझे किस डायरेक्शन पे, मतलब किस तरीके से होल करना है? आपको एक 8mm की ड्रिल बिट लेनी है, उससे आपको ये T60 है, इसी से ही आपको नाप के देखना है कि आपका होल कितना हो गया। अच्छा। मतलब ये इसके बराबर हो जाना चाहिए, तो ये प्रॉपर्ली आपका जा सकता है। अच्छा। इसमें ये एंकर है, होल करने के बाद आप एंकर लगाएंगे ताकि अच्छे से लॉक हो सके। अच्छे से लॉक हो सके, फिर ऊपर से कंपोनेंट लगा के ऐसे टाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है यहाँ पे सारा सेटअप, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ लगा के। एजल बैक पार्ट को एक साथ असेंबल करना है। सबसे पहले इसमें आर्म पाइप लगा लेते हैं। ये एलएनबी लगाने के लिए है। हाँ जी,
अभी हम इसके साथ रिफ्लेक्टर को लगाएंगे। टाइट हो गया है, टाइट किया था इससे कि ये ज्यादा हिले ना। सेटअप हो गया हमारा यहाँ पर, अभी कंप्लीट सेटअप हो गया। मैं अब इसमें एलएमई लगा के मैं आपको डीडी फ्री डिस्प्ले को ट्यून करके दिखाऊंगा। इसको थोड़ा फ्री छोड़ना है क्योंकि ये मूवमेंट करे। अच्छा, ट्यून करने के लिए? ट्यून करने के लिए तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस मीटर पे? मैं इस मीटर से इसको डीडी डायरेक्ट पे सेट करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए इसमें डीडी डायरेक्ट मैंने लगाया हुआ है। हो गया, डिस्ट्यून हो गया ना। अभी हमारा डिस्ट्यून हो गया। तो आपने देखा कि एक डिश एंटीना जो कि KU बैंड का डिश एंटीना है, इसके इंस्टॉलेशन और ट्यूनिंग की क्या प्रोसेस होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।